ट्रेन की तरह बेहद बलशाली होते हैं उसके पहिए। 5 लोग मिलकर भी एक व्हील को नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला देश का सबसे बड़ा सरकारी निकाय भी है। आप इसे भारत की लाइफलाइन भी कह सकते हैं। इन भारी भरकम ट्रेनों के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर खींचने का काम उनके लोहे के पहिए करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पहियों का वजन कितना होता होगा? आज हम इस बारे में आपको दिलचस्प जानकारी देंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारतीय रेलवे के इंजन और डिब्बों में अलग अलग वजन वाले पहिए लगाए जाते हैं। LHB डिब्बों में एक पहिए का वजन 326 किलो के आसपास होता है, जबकि ब्रॉड गेज पर चलने वाली सामान्य ट्रेनों के डिब्बे में लगे एक पहिए का वजन 384 से 394 किलो तक पाया जाता है। वहीं EMU ट्रेन के डिब्बे में लगे एक पहिए का वजन करीब 423 किलो तक होता है। अब हम आपको इंजन में लगे पहिए के वजन के बारे में बताते हैं। नैरो गेज पर चलने वाली ट्रेन के इंजन के एक पहिए का वजन 144 किलो के आसपास होता है। वहीं मीटर गेज पर चलने वाली इंजन के पहिए का वजन आमतौर पर 421 किलो के आसपास पाया जाता है और इलेक्ट्रिक इंजन के एक पहिए का वजन 554 किलो तक होता है। ऐसी और